हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं गुल्लू शर्मा ब्लॉग्स। थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चली होगा कि हम लोग आज क्या चीज़ का एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारे पीछे जो है टी एंड टॉक है, जो कि न्यू बाईपास रोड जगनपुरा पटना में स्थित है। तो उसको जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि मुझे डेकोरेशन अच्छा लगा, आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे चल के आपको सारा कुछ अपडेट देते हैं, कैफे के अंदर कैसा डेकोरेशन है नहीं है, आपको सारा कुछ अपडेट देते हैं। आप वीडियो में बने रहे। और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलता होगा, तो आप यहाँ पे आप आईडी को फॉलो कीजिए और मिलते हैं। आप ऐसा है, आपको ऊपर में जो है छत के ऊपर वनिस्ट फ्लोर पे जो है आपको कैफे, वहाँ पे आप बैठ के भी सारा कुछ अंदर भी आपको ले चलेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर चल के देखते हैं कैसा डेकोरेशन वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पे शायद कुछ ऑर्डर शायद किए हैं पब्लिक, तो यहाँ पे आप, हाँ, ये फास्ट फूड बनाते हैं, जो भी हो आपको सारा कुछ अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सारा कुछ जो है आपको आइटम बताते हैं, ठीक है। तो आपको हम अंदर ले चलते हैं, चलते हैं। गाइस, अभी यहाँ पे इस अंदर आ गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वेदनातीत तंबाकू से कैंसर है, यानी आपको इसके अंदर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो डेकोरेशन है वो आप कमेंट करके बताएं वीडियो में कि आपको कैसा लगा है, ठीक है। और आपको सीलिंग भी देखे कितना बढ़िया लग रहा है। हैंड वॉश कर सकते हैं, यहाँ पे डिटोल वगैरह है। जो ऑनर है उनसे भी थोड़ा बातचीत करवाएंगे। तो यहाँ पे पहले फूड मेनू देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फूड मेनू में जो है ना बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे। जैसे आप चाय ऑर्डर करते हैं, जैसे टी रोल्स वगैरह हुआ, स्वेप हुआ, ब्रेड हुआ, राइस हुआ, नूडल्स हुआ, और स्टेटर हुआ, और चाइनीज़ चिली हुआ, स्पेशल डिश आपको यहाँ पे मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे वैरायटी हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आके एक बार टेस्ट ज़रूर करें। और आपको ये जो है ना नियर जगनपुरा, नियर SBI ATM के पास इनका लोकेशन है, जो कि जगनपुरा न्यू बाईपास रोड के पास। यहाँ पे जो है नूडल्स बन रहा है ना, और ये जो है बना रहे हैं नूडल्स। इनसे भी थोड़ा बातचीत करवाएंगे कि लोगों का यहाँ पे आके फीडबैक कैसा रहता है, सारा कुछ आपको इनसे बातचीत करवाएंगे, सारा कुछ आप वीडियो में देखें। लेके अभी आपको चलते हैं। तो यहाँ से ये जस्ट इनके बगल में है, तो यहाँ से ऊपर का रास्ता है। तो डेकोरेशन देखिए, तो चलते हैं गाइस अभी ऊपर में और देखते हैं कि कैसा वहाँ पर का डेकोरेशन है ऊपर का, बाकी का चलिए, ठीक है। आपको ऊपर से जो है कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा मार्केट जगनपुरा का, और वहाँ जो आपको उधर वो होगा न्यू बाईपास रोड के ठीक बगल में जगनपुरा के लोकेशन, अगर आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे देख सकते हैं डेकोरेशन कैसा है। बिल्कुल एकदम बांस का जो ये जो है आपको शायद बांस वाला जो है ना इसका वो है, तो
अगर आप इसके अंदर आते हैं तो देख सकते हैं लाइटिंग का अच्छा खासा यहाँ पे डेकोरेशन किया। जो है ना टी एन टॉक के, तो इनके ऑनर से भी बातचीत करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको स्वागत है, और मैंने यहाँ पे देखा कि अच्छा डेकोरेशन था, तो चलिए थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा पुष्कर नाम हुआ, पुष्कर यादव नाम हुआ मेरा। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ टी एन टॉक ये जो आप खोले, तो कितने दिन पहले खोले थे? ये अभी मेरा 6 महीना अप्रोक्स हुआ है। अप्रोक्स? हाँ, ये जो शॉप कैसे चल रहा है अभी, सेल वगैरह जो? अभी इसका जब देखिए, मैं एक मतलब मेरा पढ़ाई वढ़ाई था, तो अभी आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। हाँ। तो हम बिजनेस ज़्यादा प्रेफर करते थे। हाँ। तो ये बिजनेस करना स्टार्ट किए, घर से परमिशन लिए, तो सब सपोर्ट किए घर वाले। तो 6 महीना दिसंबर में हम ये 13 दिसंबर को इसका ओपनिंग हुआ था। हाँ। अभी इसका सेल मतलब बस स्टार्टिंग में तो बहुत ये हुआ, मतलब 1500-2000 रुपये होते थे। हाँ। तो बहुत निराश होते थे बिजनेस में, ये चीज़ आप जानते हैं। हाँ। लेकिन अब जो मेरा सेल जा रहा है, अब वही सेल मेरा मतलब कभी 4500, कभी 5000, कभी 6000, कभी 7000, हाईएस्ट अभी गया है 8000 रुपये, क्योंकि कस्टमर इनके बन रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो भी आ रहे हैं डेकोरेट कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, इंजॉय करते हैं। कपल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, टाइम अपना प्राइवेट सेपरेट टाइम देते हैं जो भी है अपना। तो मुझे भी मैंने भी देखा कि चलिए अच्छा डेकोरेशन है तो हम भी बना लेते हैं। तो यहाँ का जो फास्ट फूड मीनू जो है, हाँ, वो मीनू बता सकते हैं क्या क्या? हाँ हाँ, फास्ट फूड में आपको इंडियन में सारा चीज़ मिल जाएगा, जैसे पनीर बटर मसाला है, पनीर कढ़ाई है, पनीर हांडी है, पनीर दो प्याजा, ये सारा इंडियन में मिल जाएगा। चाइनीज में आप आइएगा तो चाइनीज में जितना भी है, ठीक है, बोन बोनलेस हो गया। और हमारा जो स्पेशल डिश है, ठीक है, इस यहाँ का, हाँ, यहाँ आपको ऐसे तो कैफे में आपको बिरयानी बहुत कम मिलेगा, डाउनटाउन एक रखता है, लेकिन हमारा बिरयानी भी थोड़ा अलग मिलेगा आपको, ठीक है। आप अगर खाना चाहे तो एक बार टेस्ट कीजिए। बाकी लॉलीपॉप हो गया, हाँ, जो स्पेशल डिश है हमारे यहाँ, चिकन लॉलीपॉप और चिकन काली मिर्च। यानी आपके यहाँ जो स्पेशल डिश है, जो कि बहुत सारे ऐसे कैफे पटना में हैं, यानी ओपन है बहुत सारे, लेकिन बहुत उनसे कुछ अलग आपने यूनिक, हाँ, मतलब हाँ, यूनिक हाँ, पब्लिक को दिखाया, मतलब यहाँ पे लोग आ रहे हैं आपके शॉप पे और हाँ, मजे ले रहे हैं यहाँ पे आके, बहुत अच्छे फूड, फास्ट फूड वगैरह ये सब, जैसे आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट, डेकोरेशन वगैरह, हाँ, सारा चीज है। ये सब अभी ये 2 महीना पहले बनाया, पहले नीचे ही था सिर्फ, लेकिन लोगों का कस्टमर जाना कि मतलब मैंने तंदूरी चाय पहले किया था, अभी भी अभी बंद है गर्मी में, थोड़ा लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं, तो उस समय लोग बोलते थे सिगरेट पीने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बहुत लोग हैं आजकल देख रहे हैं कि लोग पेरेंट्स से छुपा के करते हैं, हालांकि ये गलत है। हाँ, लेकिन अब कस्टमर का जो चॉइस है, हमने ये कस्टमर के डिमांड पे ये बनाया कि नहीं, एक होना चाहिए जो प्राइवेट जोन होना चाहिए, कपल के लिए, हाँ, यंगस्टर के लिए, ये सब चीज होना चाहिए। तो बस ये बहुत कस्टमर लोग बोले, तो एक कस्टमर के ये पे बनाए हम लोग। हाँ, यानी लोगों को कहने पे, हाँ, ये हमने कहने पे, क्योंकि डेकोरेशन जो है लगभग मेरे हिसाब से लग रहा है कि सारा कुछ जो है बांस का जो है डेकोरेशन किया हुआ है। डेकोरेशन बांस का है, चेयर भी है, ये स्मोकिंग जोन हो गया, ठीक है, अगर लोग यहाँ पे पार्टी शार्टी किटी पार्टी, हाँ, हो गया, एनिवर्सरी हो गया, बर्थडे हुआ, ये हाँ, सारा चीज होता है। अब बाकी हमारे यहाँ का दो जो स्पेशल डिश है, चिकन काली मिर्च और चिकन लॉलीपॉप, ये दो स्पेशल डिश है हमारे यहाँ का। लोग आते हैं आपके यहाँ टेस्ट करने, हाँ, तो लोगों का फीडबैक क्या आप? बहुत अच्छा रहता है भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कभी कभी थोड़ा है तो मतलब गड़बड़ा जाता है, लेकिन अभी बहुत अच्छा जा रहा है मेरा। जो जितने भी कस्टमर आ रहे हैं, जितने भी कस्टमर देखते हैं, बोलते हैं भैया ये एरिया आप जगनपुरा है, इस एरिया में आप घूम लीजिए, ऐसा नहीं बना हुआ है। हाँ।
ठीक है, तो इस यहाँ पे इन्वेस्ट, उधर तो बाईपास उस तरफ है तो वो भरा पड़ा है उधर, इस टाइप का जैसे आप स्टेडियम तरफ देख लीजिए उधर है, लेकिन इधर नहीं था तो कस्टमर के ये पे हम डिमांड पे बनाना स्टार्ट किया। हम बोले कि चलो एक बना के देखते हैं, इन्वेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि बिजनेस में है कि आप जितना इन्वेस्ट कीजिएगा उतना ज्यादा आपको गेन मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप लोग ने देखा होगा कि ग्रेजुएट चाय वाली बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी है, बहुत बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद एक और है आत्मनिर्भर चाय वाली है, ये सब बहुत ज्यादा ही फेमस, मतलब कुछ ही दिन में फेमस हो गई। हाँ, इंस्पायर होके आत्मनिर्भर चाय वाली जो कि समस्तीपुर के, नहीं एक तरह से ठीक है, पहले हम भी खोले थे उन दोनों बहनों को, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को भी जान के, क्योंकि पहले हम भी खोले थे तो दोस्त लोग मतलब कॉलेज वगैरह जाते हैं, मेरा उतना वैसा था नहीं पढ़ाई के पीछे, हालांकि पढ़ाई करते थे लेकिन हमको ज्यादा एक बचपन से एक शौक था कि मेरा एक खुद का कैफे हो, धीरे धीरे पैसा जमा करके अपना किसी भी तरह, अगर चाय है तो राह है, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो कर लीजिएगा। आज हम ये खोल के बैठे हुए, कोई तरह का दिक्कत है नहीं, अभी सेल मेरा मतलब 1.5 लाख रुपया के अप्रोक्स में पर मंथ चले जाता है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऊपर जब से ये बनाए हैं, हाँ, ये एक यूनिक है, हाँ, ठीक है, नीचे तो क्योंकि देखिए आजकल हम जितने भी यंगस्टर हैं, हाँ, या फिर एक कैफे खोलने के लिए सोच रहे हैं तो हम उनको यही बोलेंगे कि देखिए खिलाने के लिए तो सब खोला हुआ है, सब खोला हुआ है, हाँ, लेकिन उसको थोड़ा यूनिक दीजिए, सेल्फी पॉइंट दीजिए, स्मोकिंग जोन दीजिए, फैमिली जोन दीजिए, तो वो सब चीज रखिएगा तो आपके तरफ कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और सबसे बिहेवियर सबसे ज़्यादा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, यहाँ पे हमको यहाँ पे आके डेकोरेशन वगैरह अच्छा लगा, यहाँ पे कस्टमर लोग आते हैं तो बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तो डेली आते हैं, मतलब अच्छे से एंजॉय करते हैं। आपने जीरो, एक फिर मैंने देखा कि कुछ गलती मेरे से भी हुई थी क्योंकि मैंने बॉक्स नहीं लगाया था, बॉक्स वगैरह सारा साउंड का एंजॉय लेते हुए, तो यानी आपने स्टार्ट किया, आपको उतना पढ़ाई में इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, फिर भी घर से सपोर्ट नहीं मिला वो चीज़ अलग है, हाँ, लेकिन आपने पेरेंट्स से सारा कुछ पूछ के आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने धीरे धीरे बोला कि जैसे बोला कि धीरे जीरो से स्टार्ट हमने किया, हाँ, तो उसको धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, तो ये वीडियो बिल्कुल पब्लिश कर सकते नहीं यूट्यूब एकदम एकदम, हम मतलब हमारा सौभाग्य होगा कि आप हमारे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल इधर नहीं आते, दोस्त लोग बनाता है तो वो लोग भी बोला था, हम बोले उतना देखिए जब आपके ऊपर आपका बढ़िया रहेगा ना, हाँ, तो कस्टमर आपके पर रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका डिश अच्छा होना चाहिए, सारा चीज आप अगर वेल एंड गुड कीजिएगा तो आपका होगा। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप वीडियो के माध्यम से आते हैं तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि हम वीडियो के माध्यम से आते हैं, तो मुझे इनसे बहुत मिलकर अच्छा लगा, हाँ, आपसे मिलकर वो बताएंगे कि इनका नाम लेंगे तो मैं आज अनाउंस करता हूँ कि उसको 50% बिल्कुल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आते हैं, तो भी मेहनत की है आप, हाँ, लोग के लिए मेहनत की, तो हम 50% डिस्काउंट कर दूंगा। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके इनका डेकोरेशन वगैरह, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताए, और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।